गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू कैसे हो बेटा सब लोग अच्छे हो क्या पढ़ रहे हैं अपन एनाटोमी याद है क्या एनाटोमी के बारे में कुछ ये कितने ये सिस्टम ये। हो गए कौन कौन से सिस्टम हो गए सेल टिश्यू रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी और डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव में अपन आप थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव की लास्ट जो एक असेसरी ग्लैंड जिसको अपन बोलते हैं या फिर एक ग्लैंडुलर जो स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है रिप्रोडक्टिव के अंदर वो आज अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में प्रोस्टेट के बारे में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वैसे देखे तो मेल रिप्रोडक्टिव का एक असेसरी ऑर्गन है कैसा ऑर्गन है असेसरी असेसरी का मतलब क्या होता है बेटा सहायक अंग एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो या फिर इसको क्या बोल सकते हो ग्लैंड बोल सकते हो क्या है एक एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसको सहायक ग्लैंड या सहायक ग्रंथि भी बोलते हैं या फिर सहायक ऑर्गन भी बोलते हैं ठीक है अपन बात कर रहे हैं किसकी प्रोस्टेट की तो पहले देखेंगे अपन प्रोस्टेट होती क्या है कहाँ सिचुएटेड होती है इसका क्या डायमीटर होता है क्या इसका वेट होता है तो अपन देखें तो प्रोस्टेट है ये एक फाइब्रो मस्कुलर या फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलर टिश्यू है से बनी हुई कैसी है फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है कैसी स्ट्रक्चर बेटा फाइब्रो मतलब फाइबर से बनी हुई मस्कुलो मतलब मसल्स और ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड देखो बेटा कितने टिश्यू प्रेजेंट है मसल्स फाइबर प्रेजेंट है मतलब मसल टिश्यू प्लस में ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट ठीक है तो कैसा ऑर्गेनल है कैसा है कैसी स्ट्रक्चर है फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कैसी है फाइब्रो मस्कुलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी सेप होती है इसकी सेप की बात करें सेप, तो सेप की बात करें तो रिवर्स कौन सेप रिवर्स कौन का मतलब क्या, क्या होता है कौन का मतलब क्या होता है कौन देखे आपने आइसक्रीम वाले कौन ऐसे होते हैं कौन ठीक है तो अगर अपन बात करें किसकी प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट है वो किस शेप की होती है रिवर्स कौन रिवर्स का मतलब उल्टे कौन की तरह ठीक है तो कैसी है रिवर्स कौनसेप इसकी क्या है ठीक है रिवर्स कौनसेप्ट साइज की बात करें कि इसकी साइज कितनी होती है तो बेटा इसकी साइज होती है वो होती है पांच इंटू तीन इंटो तीन सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर लेंथ पांच सेंटीमीटर इसकी थिकनेस सॉरी तीन सेंटीमीटर इसकी थिकनेस और तीन सेंटीमीटर इसकी विड्थ चौड़ाई लंबाई पांच सेंटीमीटर मोटाई तीन सेंटीमीटर और चौड़ाई तीन सेंटीमीटर वेट की बात करें कि इसका वजन कितना होता है तो प्रोस्टेट के वेट की बात करें तो बेटा प्रोस्टेट का वेट होता है रेंज में अगर बात करें तो सात से सोलह ग्राम इसका क्या होता है वेट होता है और अगर आपसे एक्यूरेट एडजेक्ट कहीं वेट पूछे तो इसका एडजेक्ट वेट होता है वो होता है आठ ग्राम कितना होता है आठ ग्राम वॉल्यूम की बात करें कि इसकी वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब इसका आयतन कितना होता है इसके अंदर कितना फ्लूड समाहित हो सकता है तो वॉल्यूम की बात करें तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है चौबीस एम एल या ट्वेंटी फोर सी सी cc का मतलब क्या होता है क्यूबिक इन सेंटीमीटर या ml स्क्वायर या ml क्यूब भी बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हो ml क्यूब क्योंकि आयतन क्या होता है क्यूब में होता है जानते हो ना आप मतलब इसके अंदर 20 ml तक फ्लूइड आ सकता है कितना 20 ml तक टिल द एज ऑफ 60 ईयर 60 साल की उम्र तक तो इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा इतना 20 ml तक जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोस्टेट की साइज भी इनलार्ज होगी आपने एक चीज सुनी होगी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी नाम सुना होगा बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है बढ़ जाती है उसकी वजह से यूरिन पास आउट करने में बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती है मेल्स में बूढ़े लोगों में देखा होगा प्रोस्टेट बढ़ गई आपने ऐसा सुना होगा प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई है उस कंडीशन में ये जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ करके मोर देन थर्टी एट सी सी भी हो सकती है कितने 38 से ज्यादा तक इसकी वॉल्यूम बढ़ सकती समझ है समझ में आया क्या बताया मैंने इसका नॉर्मल डायमीटर बताया है इसका आयतन बताया है और ये कैसा स्ट्रक्चर है वो चीज बताई तो कैसी है फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है रिवर्स कॉन्सेप्ट है साइज की बात करें पांच सेंटीमीटर लेंथ तीन सेंटीमीटर चौड़ाई तीन मोटाई होती है और इसके आयतन की बात करें तो नॉर्मली जो आयतन है, है? है, है इसकी आयतन होता है जैसे साठ साल से अगर अधिक उम्र के लोग हो जाते हैं तो उनके अंदर इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और मोर देन कितनी हो जाती है थर्टी एट सीसी तक इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट में बात करते हैं अपन किसकी प्रोस्टेट की कि ये कहाँ सिचुएटेड होती है क्या करती है ये एक फ्लूड का सिक्रेशन करती है उस फ्लूड को बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूड कौन सा फ्लूड बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूड और वो फ्लूड होता है वो होता है स्लाइट एसिडिक फूड कैसा होता है एसिडिक नेचर का होता है जिसकी पीएच होती है अप्रोक्सीमेटली सिक्स पॉइंट फोर कितनी होती है 6.4 किसकी पीएच होती है जो प्रोस्टेट के द्वारा जो फ्लूइड सीक्रेट किया जाता है जिस फ्लूइड को बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड क्या बोलते हैं उसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड उस फ्लूइड की पीएच क्या रहेगी एसिडिक पीएच रहेगी कितनी रहेगी 6.4 ठीक है अब अपन बात करते हैं कि ये कहां सिचुएटेड होती कहां सिचुएटेड होती है हम्म प्रोस्टेट है वो सिचुएटेड रहती है एंटो एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी कहा सिचुएटेड रहती है इट इज सिचुएटेड सिचुएटेड बोल दो या उपस्थित बोल दो इट इज सिचुएटेड इन द एंटेरो बेटा समझ रहा है एंटेरो एंटेरो का मतलब सामने की साइड और सॉरी एंटेरो इंफीरियर एंटेरो का मतलब सामने की साइड इंफीरियर का मतलब है? नीचे की साइड एंटेरो इंफीरियर टू द पेल्विक कैविटी टू द पेल्विक कैविटी एंटेरो इंफीरियर टू द पेल्विक कैविटी पेल्विक कैविटी है उसके कहां पे सिचुएटेड होता है एंटेरो इंफीरियर वर्ड मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में एंटेरो का मतलब सामने की साइड में इंफीरियर का मतलब नीचे की साइड में तो कहा सिचुएटेड होता है ये एंटेरो इंफीरियर किसके पेल्विक कैविटी कैविटीज अपने पढ़ी थी याद हो तो ह्यूमन बॉडी कैविटीज पढ़ी थी अपन ने एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी पढ़ी थी ठीक है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी की दो कैविटी थी फिर पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी पेल्विक कैविटी जो पड़ी थी उस पेल्विक कैविटी के अंदर सामने वाले बॉर्डर की तरफ और नीचे की साइड में प्रोस्टेट जेंट होती है ठीक है अब अपन बात करते हैं कि प्रोस्टेट है उसका क्या रिलेशंस है कहां ये सिचुएटेड होती है, कितने इसके अंदर लोब होते हैं मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूं आपको पता रहे कि प्रोस्टेट कहाजेंट होती है देखो बेटा आपको इस डायग्राम के अंदर प्रोस्टेट दिखाई दे रही है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है क्या है यूरिनरी ब्लैडर है यहां पे देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है प्रोस्टेट दिख रहा है रिवर्स कॉन्सेप्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट दिखाई दे रही है आपको ठीक है ये वाली जो ग्लैंड है इसको क्या बोलते हैं आप प्रोस्टेट बोलते कहा है एंटेरो मतलब नीचे की साइड एंटेरो का मतलब सामने की साइड ठीक है अब अगर बात करें अपन कि प्रोस्टेट है उसके अंदर प्रोस्टेट के बीचों बीच यूरिथ्रा की जो यूरिथ्रा है वो गुजरता है ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है यूरिथ्रा ठीक है यूरिथ्रा इसके बीचो बीच क्या रहता है सिचुएटेड रहता है प्रेजेंट रहता है इसके पोस्टीरियर बॉर्डर से पोस्टीरियर का मतलब इसे ओब्लिकली पीछे की साइड से इजेकुलेटरी डक्ट इसके अंदर ओपन होती है देखो ये है आपकी इजेकुलेटरी सी है यह डक्ट है ये आपका है? ये आपकी क्या है डिफरेंस है ये सारी चीजें अपने पिछली क्लासों में पढ़ लिया थी ठीक है ये जो पीछे का बोर्ड रहता है पोस्टीरियर का मतलब क्या है ये थोड़ी सी पीछे की साइड से, जैसे ये, ये पोस्टीरियर तो अगर, तो अगर अपन पूरी बॉडी को पोस्टीरियर माने तो अगर anterior का मतलब होता है सामने की साइड से और पोस्टीरियर का मतलब क्या होगा पीछे की साइड से इसके अंदर क्या होगी दोनों है दोनों साइड से इसके अंदर क्या करेगी एंटर करेगी इसको पीएच डू करेगी भेदते हुए आएगी ठीक है अगर आप आपसे पूछे कि प्रोस्टेट किन किन दो ऑर्गेनल्स के बीच में सिचुएटेड होती है तो उसमें आप बता सकते हो ये सिचुएटेड होता है नेक ऑफ द ब्लैडर टू द यूरोजेनाइटल डायफ्राम इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन ये कहां सिचुएटेड होता है ये पूछे तब तो बताना आपको कहां एंटेरो इनफीरियर टू द पेल्विक ठीक है और ये किन-किन ऑर्गन्स -किन के बीच में सिचुएटेड होता है तब आपको बताना है किसके बीच में ब्लैडर और यूरोजेनाइटल डायफ्राम के बीच में, इसके बीच में ब्लैडर और यूरोजेनाइटल डायफ्राम है इनके बीच में ये क्या रहता है सिचुएटेड रहता है दिखाई दे रहा आपको ये है आपका यूरोजेनाइटल डायफ्राम और ये है क्या ब्लैडर ठीक है नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन किसकी कि इसके कितने लोब्स होते हैं और कौन सा लोब कहा सिचुएटेड होता है ठीक है देखो बेटा प्रोस्टेट के पांच लोब होते हैं कितने लोब होते हैं पांच लोग प्रोस्टेट हैज फाइव लोब्स पांच लोब कौन कौन से है वो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे प्रोस्टेट है ये दिखाई दे रहा है देखो ये वाला लोब आपको जो दिखाई दे रहा है ये है पोस्टीरियर ठीक है ये पोस्टीरियर है ये पीछे की साइड में जो पोस्टीरियर ये सामने की साइड में क्या है एंटीरियर ठीक है दे रहा दिखाई फिर एक लोब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये लेटरल एक लोब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये भी लेटरल और एक लोब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मीडियल कौन सा है मीडियम अप्रोक्सीमेटली कितने लोब होते हैं पांच लोब एंटीरियर का मतलब सामने की साइड में पोस्टीरियर का मतलब पीछे की साइड में लेटरल का मतलब दोनों साइडों में और एक बीच में बात करें अपन प्रोस्टेट की देखो बेटा में आपको इस डायग्राम इस डायग्राम में तो आपको कुछ दो डायग्राम अलग अलग दिखा दिए तो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है मैं एक ही डायग्राम में पांचों लोग दिखाऊंगा आपको ये अपन मानते हैं प्रोस्टेट क्या है प्रोस्टेट देखो इस तरीके से प्रोस्टेट का अगर अपन आप अनुफ्रस्ट कार्ड अगर उसको कट करोगे प्रोस्टेट को तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी यहाँ पे यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी पोस्टीरियर साइड से ये जो आपका पोस्टीरियर बॉर्डर आप अगर इसको एंटीरियर मानोगे तो ये क्या हो जाएगा पोस्टीरियर हो जाएगा इधर पोस्टीरियर से क्या आएगी इजेकुलेटेड ताकि किस में ड्रेन हो जाएगी यूरिथ्रा के अंदर ड्रेन हो जाएगी तो ये वाला लोब तो है लेटरल कौन सा है लेटरल ये कौन सा है लेटर ये वाला लोभ भी कौन सा है आपका लेटर ये सामने की साइड में तो कौन सा है एंटीरियर सामने की साइड में सामने की साइड बता बेटा इसको ऐसे आप नीचे मत मानो ये ऐसे काटा हुआ है जैसे ये है ना मार्कर इसको ऐसे काटोगे ना तो इस तरीके से काटा हुआ है तो इस तरीके से काटोगे तो ये एंटीरियर सॉरी ये एंटीरियर सामने वाला ये पीछे वाला पोस्टीरियर ये लेटरल ये भी लेटरल और वाला मीडियर ये आपका मीडियल और ये आपका बेटा तो सुपीरियर इनफीरियर नहीं बता रहा मैं आपको यहां दिखाई दे रहा है सुपीरियर इनफीरियर अब मैं इसको बोर्ड को तो ऐसे कर नहीं पाऊंगा मतलब क्या है कि ये प्रोस्टेट थी इस प्रोस्टेट को अपने इस तरीके से काटा है ठीक है हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स कट कट

अगर ये इसकी बात करें अपन ये सुपीरियर है ये इनफीरियर है ये लेटरल है ये लेटरल है ये पोस्टीरियर है ये एंटीरियर है ये तो इसकी बात करते हैं लेकिन मैंने इसकी बात नहीं करी है इसको काट दिया यहां से ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको कट कर दिया है कट करने के बाद में अब आपको सुपीरियर इनफीरियर नहीं देखना है आपको अब जो कट करने के बाद में इसके अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना उनके बारे में देखना है तो वो सामने की साइड में वो तो एंटीरियर हो जाएगा पीछे की साइड में वो पोस्टीरियर दोनों साइड वाले लेटरल और बीच वाला कौन सा हो जाएगा मीडियम इस तरीके से ये लोब होते हैं सिचुएटेड कितने लोब होते हैं पांच लोब हैं कौन कौन से हैं? अब वहां पे आपको दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है पोस्टीरियर लोब कई बार आपने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर होगी क्या हो गया प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है मेल्स में सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है वो कौन सा होता है प्रोस्टेट कैंसर लंग्स कैंसर के बाद में दूसरे नंबर पे जो मेल में कैंसर आता है वो कौन सा होता है प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज्यादा जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं मेल में वो होते हैं पोस्टीरियर लोब में कौन से लोब में पोस्टीरियर लोब में होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते है. ठीक है जबकि जो मीडियल लॉब है कौन सा लॉब इसका जो मीडियल लॉब है वो ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है कौन सा टिश्यू कंटेन करता है ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर का मतलब जो प्रोस्टेटिक फलूड का सिक्रिशन करेगी वो वाला पोर्शन कौन करेगा मीडियल दिस इज प्रोन टू कैंसर एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूड दिस इज पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर ये किसका पार्ट है ग्लैंडुलर टिश्यू का पार्ट मीडियल लोब की बात ठीक है नेक्स्ट में ने अपन बात करते हैं प्रोस्टेट के दो कैप्सूल होते हैं कितने कैप्सूल होते हैं दो एक तो इनर और एक आउटर जो इनर कैप्सूल होता है उसको बोलते हैं ट्रू कैप्सूल इनर कैप्सूल को कौन सा बोलते हैं ट्रू कैप्सूल एक होता है आउटर कैप्सूल उसको बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल देखो यहां तो सिर्फ मैंने आपको लोब दिखाया ठीक है अगर ऐसे बात करें इसको कट किया हुआ है सेक्शन इसकी बात करें तो ये अंदर की साइड में इसमें कैप्सूल होता है यहाँ पे कैप्सूल इस डायग्राम में दिखाया नहीं है इसमें सिर्फ लोग समझाने की कोशिश करिए एक तो अंदर की साइड में जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल को बोलते हैं प्रोस्टेट के कितने कैप्सूल होते हैं दो कैप्सूल होते हैं जो अंदर की साइड में होता है उसको बोलते हैं इनर कैप्सूल कौन सा बोलते हैं इनर कैप्सूल ठीक है जो मोस्ट कॉमनली कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है किसका बना होता है कनेक्टिव टिश्यू ये इनर कैप्सूल है वो किसका बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपन कौन सा आउटर कैप्सूल जो कैसा होता है फ़ाल्स कैप्सूल होता है कैसा होता है फ़ाल्स कैप्सुल होता है एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जो बना होता है किसका पेल्विक फेसिया का इसका बना होता है यहाँ पे इसके बाहर की साइड में एक कैप्सूल और होगा जिस कैप्सूल को बोलोगे आउटर कैप्सूल क्या बोलोगे आउटर कैप्सूल दूसरा उसको आप क्या बोलोगे फाल्स कैप्सूल इसको क्या बोलोगे इनर को ट्रू कैप्सूल ट्रू का मतलब एक्चुअल में प्रेजेंट है फाल्स का मतलब एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है जो किसका बना होता है पेल्विक फेशिया फेशिया का मतलब पेल्विक है? मसल्स किसका बना हुआ रहेगा पेल्विक मसल मतलब क्या है जैसे प्रोस्टेट वहां ग्रोथ करेगी ना तो उसका जो खुद की जो वॉल्स होगी कनेक्टिव टिश्यू की वहां पे जो कैप्सूल बनेगा वो तो रहेगा ट्रिप कैप्सूल और उसके सराउंडिंग में जो ऑर्गन है उनके साथ में जो, जो जोड़ने के लिए जो लेयर बनती है वो कैसा रहेगा फाल्स कैप्सूल जो किसकी बनी होती है पेल्विक की या फिर पेल्विक मसल्स की बनी हुई होती है ठीक है इसके अलावा अगर अपन बात करें कि प्रोस्टेट के एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेस दूसरे को बोलते हैं अपेक्स और इसकी दो सरफेस होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर कितनी सरफेस होती है वैसे सरफेस तो वैसे देखे तो चार सरफेस होती है इसके कितनी सरफेस होती है चार सरफेस अगर अपन बात करें ये पूरा प्रोस्टेट ही है इसको एक लैंड माने ठीक है तो इसकी चार सरफेस होगी एक तो एंटीरियर ये सामने की साइड में इधर होगी पोस्टीरियर और दो कौन सी हो जाएगी लेटरल भाई ये अपन माने ये प्रोस्टेट है ठीक है तो इसकी कितनी सरफेस है चार सरफेस है एंटीरियर सामने की साइड में पोस्टीरियर पीछे की साइड में और दोनों लेटर, तो कितनी सरफेस होती है चार सरफेस एंटीरियर पोस्टीरियर और दो लेटर और इसके क्या पर दो पार्ट और होते हैं एक कौन सा होता है अपेक्स और दूसरा होता है बेस अपेक्स कौन सा होता है जो ऊपर की साइड में वो अपेक्स और नीचे की साइड में जो क्या होता है बेस ठीक ये पार्ट्स है किसके प्रोस्टेट के अपेक्स और बेस ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिलेशनशिप ऑफ प्रोस्टेट की प्रोस्टेट का अदर जो ऑर्गेनल्स है उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है इसके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं देखोगे ये प्रोस्टेट है आपको शायद इसमें आप खुद खुद भी देख के पता लगा सकते हो इसके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या है First, में बताता हूं, इसके सुपीरियरली देखो बेटा इसके सुपीरियर क्या है इसके ऊपर की साइड में क्या है नेक ऑफ द ब्लेड सुपीरियर सुपीरियर क्या है नेक ऑफ द ब्लेडर नेक ऑफ द ब्लेडर क्या है इसके सुपीरियर दिखाई दे रहा है आपको सबसे ऊपर की पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हो सुपीरियर बोलते हो सुपीरियर क्या है नेक ऑफ द ब्लेड और नेक ऑफ द ब्लेडर है उसके एंटीरियरली इसके एंटीरियर एंटीरियर का मतलब सामने की साइड एक किल गुजरती है या एक ओपनिंग गुजरती है एक ट्यूब गुजरती है जिसको बोलते हैं है? जैसे मैं आपको इस इसे बताता हूं कि ये प्रोस्टेट है अपन मानते हैं क्या ये एक प्रोस्टेट तो इसका जो ये ऊपर वाला बॉर्डर है ठीक है ऊपर की साइड में जो बॉर्डर है उसको क्या बोलोगे आप सुपीरियर बॉर्डर सुपीरियर के भी ये पीछे की साइड में तो पोस्टिंग हो जाएगा और ये आगे की साइड में तो क्या हो जाएगा एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर के एंटीरियर सरफेस की साइड से एक ऑर्गन बोल सकते हो आप एक ट्यूब बोल सकते हो जो इसको करती पियर्स का भेदती हुई एंटीरियर बॉर्डर को भेदती हुई इसके अंदर जाती है ये अंदर जा रही है लेकिन किधर से जा रही है इधर सामने की साइड से कौन सी ट्यूब है या कौन है वो कौन है यूरिथ्रा किधर से निकली ये सुपीरियर बॉर्डर के सुपीरियर पार्ट के एंटीरियर सरफेस की साइड फिर अपन देखते हैं इनफीरियर इंफीरियर क्या है इंफीरियर क्या है अपेक्स जो किसको रिलेटेड करता है इसके इंफीरियर कौन सा ऑर्गन है बेटा कौन है यूरोजेनाइटल डायफ्राम इसके इंफीरियर जो अपेक्स के साथ में रिलेशन रखता है सॉरी तो हाँ जो अपेक्स के साथ में रिलेशन रखता है वो कौन है यूरोजेनाइटल डाइफ्राम इंफीरियर यूरोजेनाइटल डाइफ्राम सुपीरियर नेक ऑफ द ब्लेडर ठीक है अब अपन बात करते हैं इसके एंटीरियर की एंटीरियर पे क्या है सामने की साइड में क्या दिखाई दे रहा है एंटीरियर एक तो शाबाश एंटीरियर साइड से अभी मैंने बताया था कि इसके एंटीरियर बॉर्डर की साइड से क्या निकलता है यूरित्रा लेकिन एंटीरियर नहीं होता एंटीरियर सरफेस की साइड में प्रेजेंट होता है यूरित्रा क्योंकि एंटीरियर का मतलब तो क्या होता है इसके सामने की साइड में होना ठीक है और यूरित्रा कहां है इसके अंदर से आ रहा है प्रोस्टेट के अंदर से तो आ रहा है यूरित्रा लेकिन किधर है एंटीरियर सरफेस की साइड में है तो एंटीरियर इसके क्या होता है एंटीरियर है इसके बॉडी ऑफ द प्यूबिस क्यूबिक बोन जो है आपकी यहां सामने की साइड में जो क्यूबिक सिंपाइसिस प्यूबिस बनता है तो की जो बॉडी है वो रहती है किधर एंटीरियर एंटीरियर क्या रहेगा बॉडी ऑफ द प्यूबिस जो प्यूबिस बोन है उसकी बॉडी या जो प्यूबिस है उसकी कुछ बॉडीज है वो क्या रहेगी इसके एंटीरियर रहेगी ठीक है नेक्स्ट वन इसके बात करते हैं पोस्टीरियर की इसके पीछे की साइड में क्या रहता है पीछे की साइड मैंने पहले भी बताया था आपको इसके पीछे की साइड से इजेकुलेटरी डक्ट इसके अंदर एंटर होती है तो पीछे की साइड में क्या-क्या रहेगा एक तो रहेगा वासर डिफरेंस और क्या रहेगा सेमिनल वेसिकल्स ये दिखा दे रहा है ये पीछे की साइड में बेटा है ना तो पोस्टीरियर क्या है पोस्टीरियर क्या क्या रहता इसके? क्या है इसके डिफरेंस और वेसिकल्स दोनों कहा देख लिया आपने सुपीरियर देख लिया इंफीरियर देख लिया पोस्टीरियर देख लिया एंटीरियर देख लिया अब लेटरल बताओ बेटा इसके लेटरल क्या क्या बताओ लेटरल बेटा अरे दोनों साइडों में क्या है डक्ट लेटरल सरफेस है वहां पे एक मसल्स प्रेजेंट होती है दोनों लेटरल साइड में उस मसल्स का नाम है लिवेटर एनआई मसल्स जो दोनों साइड है ना इधर वाली प्रोस्टेट के दोनों साइड में कुछ मसल्स प्रजेंट होती है उस मसल्स को बोलते हैं लेटरली कौन सी मसल्स होती है लिवेटर एनआई मसल कौन सी मसल्स होती है लिवेटर एनआई मसल्स प्रजेंट होती है जिनका यहाँ पे नामकरण थोड़ा सा चेंज हो जाता है कुछ फाइबर है ना इसके कुछ फाइबर कुछ फाइबर्स क्या करते हैं जो लिवेटर एनआई मसल्स हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं किसके अंदर प्रोस्टेट के कैप्सूल के अंदर जैसे ये प्रोस्टेट है प्रोस्टेट के दोनों साइड में लिवेटर एनआई मसल्स प्रेजेंट है लेकिन भाई ये तो है नहीं कि उन फाइबर्स को मना किया हुआ आप इसके अंदर नहीं जाओगे मना है अंदर जाना मना नो एंट्री ऐसा तो है नहीं शरीर के बॉडी के ऑर्गन्स है वो तो एक दूसरे के अंदर गुथे हुए तो रहते तभी वो रुके हुए रहेंगे चिपके हुए रहेंगे वरना वो बोल कि लिवेटर एनआई मसल्स नहीं मैं तेरे को अपने साथ नहीं जोड़ूंगी तो बेचारा कहाँ जाएगा नीचे गिर जाएगी प्रोस्टेट गिरेगी नीचे नहीं गिरेगी कुछ मसल्स फाइबर से, कुछ मसल्स के फाइबर इसके कैप्सूल के अंदर धंस जाते हैं पियर्सल हो जाते हैं उन मसल्स फाइबर को बोलते हैं यहां पे लिवेटर प्रोस्टेटाइट क्या बोलते हैं लिवेटर प्रोस्टेटाइट कुछ मसल्स सम मसल फाइबर कैप्सूल कुछ मसल्स फाइबर किसको पियर्स कर देते हैं कैप्सूल को इज नॉन एज लिवेटर प्रोस्टेटाइट लिवेटर प्रोस्टेट उन मसल्स फाइबर को क्या बोलोगे आप लिवेटर प्रोस्टेटाइट बोलोगे ठीक है नेक्स्ट वन बात करते हैं अपन किसकी कि प्रोस्टेट है इसके पीछे की साइड में पोस्टीरियर बॉर्डर की साइड में ही जो आपका एक जो पाउच रेक्टोवेल्ट होता है क्या प्रजेंट होता है जो पाउच होता है आपने आपने सेप्टम का नाम सुना होगा या आपने फीमेल के अंदर तो देखा था वहां पर रेक्टोवेसिकल पाउच था क्या था रेक्टोवेसिकल पाउच था जिसका दूसरा नाम था पाउच ऑफ डकलस क्या नाम था पाउच ऑफ डकलस यहाँ पे एक पाउच सिचुएटेड होता है जिसको बोलते हैं रेक्टोवेसिकल सेप्टम या फिर डेनोवियर्स फैसिया क्या बोलते हैं रेक्टोल वैसिकल सेप्टम या फिर उसको बोलोगे डेनोवियर्स फेशिया डेनोविलर्स डेनोविलर्स फेसिया इसका नाम डेनोविलर्स फेसिया क्यों पड़ा क्योंकि इसका नाम डेनाविलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था डिस्क्राइब किया था इसलिए इसका नाम क्या है डेनोविलर्स फेसिया है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई की इसकी बात करते हैं ब्लड सप्लाई की जो प्रोस्टेट है उसको ब्लड सप्लाई की जाती है किसके द्वारा इंफीरियर वेसिकल आर्टरी के द्वारा किसके द्वारा इंफीरियर वेसिकल आर्टरी के द्वारा और जो इसकी विनस ड्रेनेज है वो ड्रेन किया जाता है किसके द्वारा इंटरनल इलियाक वेन के द्वारा द्वारा इंटरनल वेन के द्वारा और नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रोस्टेट की नर्वस नर्वस सप्लाई सप्लाई की किसकी बात करते हैं द्वारा किसके द्वारा सिंपेथेटिक जो नर्व, नर्व सप्लाई वो मिलती है हाइपोगेस्ट्रिक नर्व के द्वारा एंड पेरा है वो किसके द्वारा मिलती है पेल्विक नर्व के द्वारा ठीक है नर्वस सप्लाई रहेगी सिम्पैथेटिक हाइपोगेस्टिक के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक किसके द्वारा पेल्विक नर्व के द्वारा ब्लड सप्लाई की बात करें तो कौन सी वेसिकल आर्टरी और इंटरनल इलियाक वेन है उसमें उसके अंदर क्या रहेगा इसका वेंस ट्रेलिस रहेगा ये था आपका प्रोस्टेट के बारे में अंडरस्टूड समझ में आया बेटा ठीक है बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू